नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय के बाहर। आप साफ तौर पर तस्वीर में देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं और यहां पे तमाम जो नेता हैं जेडीयू के उनके साथ कर्पूरी सभागार में वो बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि कल जो नीतीश कैबिनेट का विस्तार है वो हो सकता है, और जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो सहमति बननी थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वो पूरी हो चुकी है। क्योंकि आपको बता दें कि कल बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी और साथ ही साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल देर शाम मुलाकात की थी। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से राजपाल कोटे से 12 MLCO की सीट खाली हुई है उसको लेकर भी अब बीजेपी और जेडीयू में जो सहमति है वो बन गई है। ऐसे में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पर पहुंचे हैं और यहाँ पर लगभग वो तमाम जेडीयू के जितने भी बड़े नेता हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। और यह चर्चा हो रही है कि इस बार नीतीश कैबिनेट में कौन कौन से लोगों को जगह मिलेगी, क्योंकि इस बार आपको देखने को मिला था कि इस बार बीजेपी की तरफ से भी जितने नए चेहरे हैं जो इस बार विधायक बनकर आए हैं उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिला है। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को इस बार कम सीटें आई हैं, 43 सीटों पर ही जेडीयू सिमट गई है। ऐसे में नीतीश कुमार लगातार मंथन कर रहे हैं कि पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए। तो वहीं आपको बता दें चले कि जेडीयू के तरफ से इस बार कई नए चेहरे हो सकते हैं मंत्रिमंडल में, क्योंकि जिस तरह से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई है, ऐसे में लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं के साथ मंथन भी कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए। तो जो सूत्र के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, बीजेपी और जेडीयू में जो अनबन चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज जो बिहार विधान परिषद के उपचुनाव को लेकर जो दो सीट खाली हुई थी जिसपे एक बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं आपको बता दें कि VIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी को दूसरा उम्मीदवार बनाया गया है। तो जो अब अटकलें लगभग 2 महीना से चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, ऐसे में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और कल जो समय हमारे पास चल रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं कि 11:30 बजे राजभवन में जो मंत्रियों का शपथ है वो होगा। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जेडीयू कार्यालय पहुंच चुके हैं और यहां पर लगभग आधे घंटे से वो जेडीयू के तमाम नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो ये तो अब कुछ देर में ही मालूम चल जाएगा कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या नहीं। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।